हेलो नमस्कार दोस्तों, केकी हेल के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है अनुप कुमार वैश्य और सबसे पहले मैं आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आपका नव वर्ष मंगलमय हो, आप जो सोचे वो आपको इस नए साल में प्राप्त। और आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज मैं बात करूँगा आप अपना नाम वोटर लिस्ट में कैसे खोज सकते हैं इसके बारे में। इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, आपको अपना वोटर लिस्ट में नाम देख लेना चाहिए कि आपका वोटर लिस्ट में नाम अभी है या कहीं ऐसा हो तो नहीं हो गया कि आपका वोटर लिस्ट में नाम निकाल दिया गया हो या कट गया हो, तो इसको आपको चेक कर लेना चाहिए ताकि आपको वोटिंग के समय कोई दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए और एक अच्छी सरकार चुनने में आपको मदद मिल सके। तो मैं आपसे आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरह से आप अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो इसके बारे में जानने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको इसको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे नए नए रोज़ाना वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए आज जानते हैं कि किस तरह से आप वोटर लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपने गूगल सर्च बार में जाना है और वहाँ पर टाइप करना है nvst.in। मैं इसका इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, लेकिन आपको nvst.in ही टाइप करना है। इसको जैसे आप ओके करेंगे तो आपका ये मतदाता सेवा पोर्टल खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारी सर्विसें उपलब्ध हैं जिनके बारे में आपको जान लेना चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपना नाम वोटर लिस्ट में सर्च करना है, तो यहाँ पर जहाँ पर लिखा हुआ सर्च योर नेम इन इलेक्ट्रल रोल, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जनरली यहाँ पर दो तरीके हैं आपको अपने वोटर लिस्ट में नाम खोजने के। एक तो आपको यहाँ पर पहचान पत्र का क्रमांक या एपिन नंबर पता हो तो वैसे आप खोज सकते हैं, और यहाँ पर अगर एपिन नंबर नहीं पता है तो अपना डिटेल से भी नाम खोज सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अब अपना नाम खोजने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरा नाम है अनूप कुमार वैश्य, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ अपना नाम डाल देता हूँ अनूप कुमार वैश्य। अब यहाँ पर एक वर्चुअल कीबोर्ड भी दिया हुआ है, यहाँ से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपके यहाँ पास हिंदी टाइपिंग नहीं है या आप किसी और भाषा में टाइप करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप यहाँ भाषा भी चेंज कर सकते हैं, हिंदी नेपाली उर्दू मराठी जो भी आपकी हो भाषा, और ये वर्चुअल कीबोर्ड का भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वर्चुअल कीबोर्ड का नहीं यूज कर रहा हूँ, अपने कीबोर्ड का यूज कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर हमको अपने पिताजी का नाम डालना होगा, तो मैंने अपने पिताजी का भी नाम डाल दिया। अब यहाँ पर आपको अपनी उम्र अगर आपको पता है तो आप अपनी उम्र डाल सकते हैं, और अगर आपको जन्म तिथि नहीं पता है तो यहाँ पर जनरली जन्म तिथि डाल सकते हैं। तो वोटर लिस्ट पर शायद तो ही ऐसा कोई है जिसकी जन्म तिथि एकदम कंफर्म पड़ी हो, तो यहाँ पर मैं उम्र ही डाल देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर अपनी उम्र डाल देता हूँ 25 साल, और यहाँ पर आपका जेंडर सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर मैं पुरुष सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर अपना राज्य सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश राज्य सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको जिला सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर मैं जिला भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। और अब यहाँ पर आपको अपना विधानसभा क्षेत्र चुनना है तो मैं यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र भी चुन लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड फिलअप करना है तो मैं इसको भी फिलअप कर देता हूँ। तो जैसे ही हम इस पूरे फॉर्म को फिलअप कर लेंगे तो हम यहाँ पर खोजें यानी सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो ये हमको सर्च करके बता देगा कि हमारा नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं है। तो नाम से अगर आप खोजते हैं तो एक नाम के कई सारे लोग हो सकते हैं, तो उनका कई लोगों का नाम भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर अभी कुछ नहीं दिखाया। तो यहाँ पर दोस्तों मेरी गलती क्या है कि यहाँ पर मेरा नाम अनूप कुमार वैश्य वोटर लिस्ट में पड़ा हुआ है और मैंने यहाँ पर अनूप कुमार वैश्य डाल दिया था। तो यहाँ पर मैं आप इसे सही करके दोबारा यहाँ पर अपलोड करूँगा और इसे इसको सर्च करूँगा तो ये हमारा पूरा डिटेल शो कर देगा, सर्च रिजल्ट आपका खुलकर आ जाएगा। ये देखिए आपका सर्च रिजल्ट खुलकर आ चुका है। ये यहाँ पर मेरा नाम और मेरा ये
पोर्टल लिस्ट का पूरा विवरण खुल कर आ चुका है। अब यहाँ पर मैं व्यू डिटेल पर क्लिक करके अपना पूरा विवरण देख सकता हूँ। तो इस तरह से आप अपना नाम वोटर लिस्ट में खोज सकते हैं अपने नाम के जरिए। यहाँ पर वैसे तो मेरे नाम से शायद इस एरिया में और दूसरा कोई नहीं है, इसलिए यहाँ पर केवल एक ही नाम आया हुआ है। और हो सकता है कि जब आप नाम खोजें तो मल्टीपल नाम भी आ सकते हैं, क्योंकि बहुत से होते हैं ऐसे जिनके एरिया में एक ही नाम के बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनका नाम भी आ सकता है यहाँ पर। तो वहाँ पर आप अपना बारी बारी से भी चेक कर सकते हैं कौन सा आपका है, और या फिर आप डायरेक्ट आप यहाँ से अपना नाम पढ़ कर यहाँ पर आप अपना चेक कर सकते हो। और दूसरा तरीका आपको मैं वो भी बता देता हूँ किस तरह से आप, ये बहुत ही सरल तरीका है। यदि आपको एपिन नंबर अपना पता है तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको क्या करना है, अपना एपिन नंबर भेज देना है। जैसे मैं यहाँ पर अपना एपिन नंबर भेजता हूँ, जो एपिन नंबर के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जो आपके वोटर लिस्ट पर सबसे ऊपर लिखा होता है, ये आइडेंटिटी कार्ड के फोटो के बगल में आपके लिखा होता है, या जहाँ पर भी आपका ये WBT से शुरू होता है, ये जहाँ पर भी लिखा हो वहाँ पर आप इसको फिलअप कर सकते हैं इसमें। और इसके बाद आप ये मैंने पूरा फिलअप कर दिया, और यहाँ पर आप फिर से अपना राज्य चुन सकते हैं, और ये कैप्चा कोड यहाँ पर आपको फिर से फिलअप कर देना है। इसको जैसे ही आप फिलअप करेंगे और यहाँ पर सर्च बार में सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपका पूरा रिजल्ट खुलकर आ जाएगा। अब आप इसको देख सकते हैं कि आपका पूरा विवरण क्या है, आपका वोटर लिस्ट में नाम वगैरह और आपका क्या कहाँ पर कैसे क्या है, पूरा विवरण आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये था आप अपने वोटर लिस्ट में नाम कैसे चेक कर सकते हैं। से और भी वीडियो देखने तो आपको हमारा ये हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। और अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर से आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ मैं आपको और बता देता हूँ कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा नाम यहाँ पर अनूप कुमार वैश्य की जगह पर यहाँ पर अनूप कुमार वैश्य जो है वोटर लिस्ट में फीड है। अब मैं आपको अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ये आपको एक अपना वोटर लिस्ट में नाम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, करेक्शन कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।